फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके 187 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम ऑलरेडी विद ट्रिक्स आपको पढ़ाया गया है। तो ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है जिसमें कि पूरे मंथ का रिवीजन के रिगार्डिंग में अगर आपको बताऊं तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है अप्रैल मंथ की, जिसमें 1 से लेकर 15 तक के जितने भी करंट अफेयर्स कराए गए थे, बनते हैं, उन सब का रिवीजन कराया गया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उस पार्ट वन को, ठीक है, अप्रैल की पार्ट वन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लीजिएगा। मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। और इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक भी हमारी विद ट्रिक्स अप्रैल मंथ की वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। सारे ट्रिक्स के साथ आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब किए गए हैं और विद गारंटी अगर आप कोई भी क्वेश्चन लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा और इसका रिवीजन क्लास देख लीजिए। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे आफ्टर 15 अप्रैल, जो भी क्वेश्चन हमारे बने थे, ठीक है, आफ्टर 15 अप्रैल, दैट इज़ 15 to 30 अप्रैल क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगी। ठीक है, देखिए कोशिश करते हैं, 187 है तो कोशिश करते हैं जितने मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसे मैं पार्ट थ्री में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। तो आज जो है ये पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और जो मेन चीज़ है फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर ये वायरल होगी वीडियो तभी मैं पार्ट थ्री बनाऊंगी, क्योंकि पार्ट वन का भी रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा है जिसमें कि बहुत मेहनत की गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए देखने में, पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ पुथांडू फॉल्स ऑन 14th एंड मार्क द फर्स्ट डे ऑन द डैश ऑफ द न्यू ईयर। पुथांडू का त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है और ये किस राज्य का पहला नववर्ष की तरह मनाया जाता है। तो आपको ट्रिक बताई थी, पुथांडू, आंडू यानी कि तमिलनाडु, तो किसका बन गया, तमिल का बन गया, ठीक है। विद ट्रिक्स जनरली क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर डिटेल में आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, डिटेल में आपको ट्रिक्स देखनी है, तो आप प्लीज़ अप्रैल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरे मंथ का करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। मई मंथ का भी करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया गया है, इसकी प्लेलिस्ट भी मैं जल्दी क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटल मिशन, इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC हैव जॉइंटली लॉन्च विच इनिशिएटिव विद एन एम टू वर्क ऑन 2D 3D मॉडलिंग। तो आपको बताया था 2D 3D मॉडलिंग को NIC, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन ने मिलकर एक पहल शुरू करी है मॉडलिंग के रिगार्डिंग, और उसका नाम क्या था, कोलैब कैट। फ्रेंड्स, ये रिविजन क्लास है तो इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिविजन करना है, क्योंकि जब भी आपको रिविजन करना हो आप इस वीडियो को एक बार खोल के देख लीजिएगा और आध घंटे में आपकी जल्दी से जल्दी रिविजन हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड चगास डे, डिसीज डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिसीज। ये जो डिसीज है चगास दिवस, ठीक है, ये जो चगास दिवस है कब मनाया जाता है, तो चगास 14, बताया था आपको, तो कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। 4 इंडियो अमेरिकन हैव बीन अवार्डेड एज अ 2020 गुगेनियम फेलोशिप। द फेलोशिप इज अवार्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। जो आपके 4 भारतीय अमेरिका को 2020 में गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ये किससे रिलेटेड थे, कला से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो आपको पता है, ट्रिक के साथ बताया था कि पेटीएम में क्या हुआ था, अभी कुछ चोरी हो गई थी पैसे की, तो क्या हो गया था, अरोड़ा हो गया था, इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए आए हैं अरोड़ा, तो विनीत अरोड़ा इसका आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग ट्रिक्स हैं, है ना, आपको पूरा नाम याद रहे लेकिन अरोड़ा याद रहेगा, और जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को टिक करना है फ्रेंड्स, पूरा नाम याद रहे ना रहे लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए आपको। तो आप एक बार विद ट्रिक देख लीजिए, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिसने हमारी पूरी अप्रैल मंथ को फॉलो किया है हमें, तो उसके आज क्वेश्चंस में कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या नहीं होता है, आपको एक महीने के करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो कमेंट करके बताइएगा। और मेन इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की आपकी जो क्विज होती है वहाँ पे, जो हम यहाँ पे ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं उसका रिविज़न कराते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, जितना आप पढ़ोगे वो तो बढ़िया है लेकिन जितना आप रिवीजन करोगे तभी आपको याद रहने वाला है, तो वहां पर भी रिवीजन होता है और ये रिवीजन क्लास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
The government of which state has joined decided to promote all students from 6th to 9th and 11th following in the lockdown. इस lockdown के दौरान 6th से लेकर 9वीं और 11वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनको सबको प्रमोट किया है. किसने किया है? उत्तर प्रदेश. क्यों? क्योंकि उनके पास उत्तर है देने के लिए कि हाँ जी लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने प्रमोट कर दिया. ठीक है. नेम द इंडियन मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल नेम्ड युक्ति टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस एंड इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री. मतलब कौन सा मंत्रालय है जिसने युक्ति नामक क्या करा है? पोर्टल, वेब पोर्टल लॉन्च करा है. तो युक्ति मतलब युक्ति कौन होते हैं? युक्ति मतलब मनुष्य है. तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ द 25th डेवलपमेंटल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाई DPIIT अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री फॉर पल्प पेपर एंड अलाइड इंडस्ट्री. देखो अगर आपको कुछ भी इस पूरे में याद ना हो लेकिन आपको ये याद होगा पल्प पेपर एंड अलाइड इंडस्ट्री. तो पल्प पेपर और जो इसकी भी अलाइड इंडस्ट्रीज है उसके रिगार्डिंग एक 25 मेंबर की आपकी क्या बनाई गई है? काउंसिल बनाई गई है. उसका हेड कौन है? तो आपको बताया था कि जो पल्प है, पेपर है, जो पेपर है बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, बहुत तप करके बनाया जाता है. तो तपन रॉय इसका आंसर हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज 7 मेंबर कमेटी बनाई है MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दैट लुक आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड अकेडमी कैलेंडर ऑफ स्टूडेंट्स विच अफेक्ट्स COVID-19. ठीक है. तो COVID-19 के लिए, COVID-19 के बाद जो भी एक 7 सदस्य की समिति बनाई है जिससे क्या होगा कि आपकी जो भी परीक्षा से रिलेटेड और शैक्षणिक कैलेंडर की रिपोर्ट है उसे देखभाल करेगा. कौन बताया है? फुहाड़, RC फुहाड़. फ्रेंड्स विद द ट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं. प्लीज़ एक बार आप वीडियो मेरे कहने से ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए. प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ आपका सपोर्ट की नीड है, तभी हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे. पूरा अप्रैल हमें आपने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, तब भी हमने क्या करी है? आपको सारी करंट अफेयर प्रोवाइड करी है. तो प्लीज़ अब रिविज़न क्लास भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और हम मई में भी कंटिन्यू कर सकें. चलो, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JBL कैंपेन. JBL कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है और जिसका टाइटल क्या रखा है? लिविट्रियल लिविट्रो. तो कौन बनी है JBL की? JBL की बनी है सारा अली खान. बताया था जे सारा है ना, सारा अली खान. What is the actual global share of production of hydroxyquinine by India as per the India Pharmaceutical Alliance? ये जो आपकी मेडिसिन है hydroxychloroquine, ये जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी, अमेरिका ने भी इसे क्या करा था? डिमांड करा था इंडिया से, है ना. और तो आपकी जो IP है, फार्मामेडिकल अलायंस जो है, उसके अकॉर्डिंग हम कितना परसेंट एक्सपोर्ट करते हैं? 70% पूरे वर्ल्ड का. ठीक. नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच गेट्स ICMR अप्रूवल टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर COVID-19. देखो ICMR बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में चल रहा है. ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च. ठीक है. तो इसने क्या करा है? आपको अप्रूवल दे दिया है कि आप प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ कर सकते हो. कौन सी ऐसी स्टेट बनी है पहली? केरल बनी है. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन और है, प्लाज्मा थेरेपी अगर कंट्री में पूछी जाए कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले यूज़ करा था, दैट इज़ अमेरिका. ठीक है. अमेरिका ने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी को अपना अप्रूवल दिया था और उसके बाद स्टेट में अगर पूछी जाए इंडिया में तो केरल थी. तीसरा क्वेश्चन इसमें एक शायद अभी आ जाएगा वैसे, कि एक प्लाज्मा थेरेपी के रिगार्डिंग कौन से पहले सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये थेरेपी अप्लाई की गई है, तो कौन सा है? किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जो कि आपका कहाँ पर है? UP में है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ चिल्ड्रन बुक डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd अप्रैल. तो 2nd अप्रैल को आपको पता है, एक तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता था और बच्चों के लिए ही चिल्ड्रन बुक डे मनाया जाता था. तो इसकी थीम की अगर मैं बात करूँ तो थीम क्या थी? थीम थी द हंगर फॉर वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के भी भूखे हैं वो लोग. ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना वर्ड्स. चलिए, विच एडिशन ऑफ साइचन दिवस वॉज ऑब्जर्व बाई इंडियन आर्मी ऑफ 30 अप्रैल. जो साइचन दिवस है सबको पता है 13 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसका कौन सा एडिशन मनाया गया? 13 से मिलेंगे 36. ठीक है, 13 से ही 13 से 3 ले लिया, 36 हो गया. अच्छा, ये जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन मतलब साइचन दिवस मनाया जाता है, कौन सा ऑपरेशन उन्होंने परफॉर्म करा था इंडियन आर्मी में, वो कौन सा ऑपरेशन अगर कई बार पूछ लेता है, कौन सा है? मेघदूत. विच स्मार्टफोन मैनुफैक्चरिंग कंपनी हैज़ लॉन्च इंटरेस्टलेस पेमेंट ऐप फॉर फीचर फोन्स. ठीक है, इन्होंने क्या करा है? कौन सी ऐसी स्मार्टफोन मैनुफैक्चरिंग कंपनी है जिसने इंटरनेट कम भुगतान ऐप लॉन्च किया है? तो लावा आजकल बिक नहीं रहा ना, तो इन्होंने क्या करा है कि भाई हम आपको इंटरनेट का कम खर्चा देंगे, तो आपने ये ताकि इसकी जो है प्रमोशन हो सके. बिजनेसमैन राजेश चापलोत हैज़ वॉन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ये जो बिजनेसमैन है राजेश चापलोत, इन्हें कौन से कंट्री का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है? सिविलियन अवार्ड मिला है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है. तो याद बताया था चप्पल जूते लगते हैं किसको? युगांडा वाले को, है ना. चलो,
इन हाउ मेनी फेस सेंसस जो है 2021 कब कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कितने फेजेस में किया जाएगा, तो ये दो फेजेस में, दो चरणों में किया जाएगा। और कब से स्टार्ट होना था इसे, अप्रैल 2020 से स्टार्ट होना था, क्योंकि इसकी जो सेंसेक्स है वो कब है 21, तो इसकी तैयारी पहले से ही कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरूपक्षा मिश्रा, क्वेश्चन नंबर 16, बीरूपक्षा मिश्रा हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। बीरूपक्षा मिश्रा, बताया था आपको ट्रिक से कि कहाँ के क्या बने डायरेक्टर बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, तो बीरूपक्षा, ये जो मिश्रा का ये जो पक्ष लिया है इन्होंने, और पूरी मिश्रा की क्या बना दी, एक यूनियन बना दी है, और पूरे इंडिया में मिश्रा की यूनियन बना दी और इनका पक्ष लिया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्या बन गए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे। विच कंट्री हैज़ अप्रूव द सेल ऑफ हरपून मिसाइल्स एंड टॉरपेडोज ऑफ टू इंडिया, कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या करा है, हारपून मिसाइल और टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है, कौन, अमेरिका। आपको पता है कि इंडिया ने क्या दिया था, इंडिया ने उनको मेडिसिन दी थी, उनकी हेल्प करी थी, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन मेडिसिन दी थी, जिसके बदले में जो आपकी अमेरिका है उसने डील करी है और हारपून मिसाइल्स और टारपीडोज जो हैं आपकी इंडिया को प्रोवाइड किए हैं, ताकि वो अपनी आसपास की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सके। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे पहला जो है फैसिलिटी हुई है कि आपके एनिमल्स को भी क्वारंटीन करा गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगर आपको पता हो तो ये एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, पूरे एशिया का, इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, दैट इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगर पता हो तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट भी जो हमें ध्यान आएंगे, हम सब कुछ पढ़ते चलेंगे। और एक चीज़ और, आपकी क्यों करा गया था ऐसा, एनिमल्स के लिए क्वारंटीन क्यों किया गया था, क्योंकि आपकी अमेरिका का जो एक जू था, ठीक है, अमेरिका का एक जो जू था, वहाँ पे एक टाइगर थी, टाइगर फीमेल थी, जिसका नाम क्या था, नादिया, है ना। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, इनको क्या मिला था, आपको कोरोना मिला था, इसलिए इसके देखते हुए क्वारंटीन किया गया था। DRDO हैज़ डेवलप्ड अ क्यूस्क फॉर COVID-19 सैंपल सेलेक्शन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्यूस्क, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस क्यूस्क। DRDO ने क्या करा है, एक COVID-19 के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए क्यूस्क, एक रोबोट विकसित किया है क्यूस्क, उसका नाम क्या है, कॉव सैक, पूरे कॉव को सैक कर जाएगा, पूरे कॉव को खा जाएगा, इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। B.R. अम्बेडकर दिवस हर बच्चे को पता है कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और इन्हें संविधान का जनक भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च टेक्स्ट बुक इन ई कॉमिक फॉर्मेट फॉर द क्लास 3rd to 5th, मैथ्स एनवायरमेंट। देखिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या करें, 3rd से 5th के लिए जो आपकी बुक्स हैं वो ई कॉमिक्स के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक्स के फॉर्मेट में बनाई गई है। तो कॉमिक्स कौन बनाएगा, जिनके पास बहुत पैसा होगा, भरपूर पैसा होगा, तो मणिपुर ने ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट विल यूज़ रोबोट्स टू सर्व फूड एंड मेडिसिन टू COVID-19 पेशेंट्स इन हॉस्पिटल इन अ बिड टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। मतलब क्या है, देखिए करना क्या है, आपको पता है एक प्रज्ञाम ऐप बनाई थी, किसने बनाई थी, प्रज्ञाम ऐप जो बनाई थी COVID-19 से लड़ने के लिए, झारखंड ने बनाई थी। आपको पता है ना, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें झाड़ झक्कड़ राक्षस जैसा, झारखंड एक राज्य है जैसा राक्षस जैसा झाड़ झक्कड़। प्लीज़ जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं वो बुरा ना माने, दैट इज़ ओनली टू रिमाइंड यू। आप कुछ इस तरह की बातें सोचोगे मन में, रिमाइंड करोगे, तभी आपको याद रह पाएगा, वरना इतनी सारी स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हमारी हैं, जिनके बारे में हम याद करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह की आप ट्रिक्स बनाओ, ठीक है, जो कि आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसे झारखंड जैसा राज्य है जहाँ पे राक्षस वाक्षस, तो हर किसी को डर लगेगा ना हॉस्पिटल में देने के लिए, तो उन्होंने क्या बना लिया, रोबोट बना दिए। तो किसने कराया, झारखंड ने, रोबोट की हेल्प से वो क्या करेंगे, मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और किसी को डर भी नहीं लगेगा। फिट इंडिया मूवमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए पहली बार फिट इंडिया ने क्या करा है, एक पार्टनरशिप करी है और अपना मूवमेंट चलाया है, किसके साथ, CBSE के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द सवर्न गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021 विच विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 20 अप्रैल 2020, व्हाट इज़ द 10 ईयर ऑफ द बॉन्ड। देखो क्या हुआ है कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाई है 2020 से 2021 तक, और कब सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 2020 के 2020 अप्रैल 20 से ले सकते हैं। इसका 10 ईयर क्या था, तो आपको बताया था गोल्ड किस में करते हैं, कैरेट और कैरेट से, कैरेट था एट किस में आ रहा है, एट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत अच्छे से आपको कराया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स। केयर कौन करेगा, जो महान लोगों का, तो अजय महाजन को इनका MD और CEO बना दिया था। फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको पुराने जो क्वेश्चन है वो याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, वहाँ पर रिवीजन किया है और हमारी वीडियो ट्रिक्स देखी हैं, तो मैं आपसे डेफिनेटली श्योर बैट लगा सकती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च द देखो अपना देश वेब सेमिनार। द फर्स्ट वेब सेमिनार विल फीचर द रिच
हेरिटेज ऑफ विच इंडियन सिटी। आपको पता है कि देखो अपना देश वेब सेमिनार सीरीज आई थी, आ रही है, तो उसमें जो कौन सा वेबिनार है, पहला वेबिनार जिसमें कि आपकी कौन सी इंडियन सिटी को दर्शाया गया है, तो भाई देखो पूरी इंडिया का पूरा देश दिखा रहे हैं, तो अपनी कैपिटल को ही तो दिखाएंगे, दैट इज दिल्ली। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट हैज बैक द एडिसन अवार्ड फॉर द सोशल इनोवेशन फॉर द क्लब एनर्जी कैंपेन। क्लब एनर्जी कैंपेन के लिए एडिसन अवार्ड मिला है, किसको मिला है, टाटा पावर को मिला है। और कौन सा इसका जो कैंपेन है जो आपका था वो कौन था, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 13th इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन। अरेबिक फिक्शन के लिए 13वां इंटरनेशनल प्राइज मिला है, और किसके लिए, कौन से नोवेल के लिए था, स्पार्टन कोड। तो बताया था स्पार्टन एक मूवी थी जिसमें बहुत ज़्यादा क्या था, लोहा, है ना, लोहे से तलवार और त्रिशूल वगैरह बताए थे ना आपको, तो वो लोहे के बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया था, लोहा, यानी कि अब्द लोहा आई साउद। देखो फ्रेंड्स सच बताऊँ ना तो मुझे भी ये नाम पूरा याद नहीं है, बट जो ट्रिक है कि स्पार्टन से आपको लोहा याद आ जाएगा, तो बस आप लोहे वाले को टिक करके आ जाओगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपको ट्रिक्स प्रोवाइड की गई हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिए, डेफिनेटली आपको सारे करंट अफेयर्स मजे में याद कर लोगे, और आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मुझे सारे करंट अफेयर्स कम में को याद हो गए हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर करिए, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। पूरे अप्रैल विदाउट मोटिवेशन हमने काम किया है, बट फ्रेंड्स इस वीडियो को वायरल करिए, तीनों पार्ट्स इसके देखिए, और मई से आप कंटिन्यूअसली हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे। चलो नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लॉन्च्ड एन अट्रैक्टिव कोविड-19 सर्विस ऑन फेसबुक मैसेंजर। देखो जो आपका फेसबुक मैसेंजर है वहाँ पर आपके कोविड-19 से लड़ने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है सर्विस प्रोवाइड के लिए, किसने, WHO ने। भैया WHO तो ऐसे काम करेगा ही, इसने काम कैसा करा, चाइना का साथ दिया, चाइना के सच जो झूठ है उसे छुपाने में मदद करी, तो अब तो ये कुछ अच्छा करेगा, तो ये किसने करा, WHO ने किया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू गेट ICMR नोड फॉर पूल टेस्टिंग। तो पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश, भर भर के टेस्टिंग करी थी पूल टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द जर्नलिज्म रिलीफ फंड फॉलोइंग इन द फूड स्टेप ऑफ फेसबुक टू हेल्प लोकल न्यू आउटलेट्स। देखो जैसे जो आपके जो फेसबुक है उसके कदमों पे चलते हुए, नक्शे कदम पर चलते हुए, है ना, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए जर्नलिज्म रिलीफ फंड किसने दिया है, ये दिया है गूगल ने, क्योंकि गूगल क्या कर रहा है, गूगल को पता है अगर फेसबुक आगे निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसके कदमों पे चलते हुए गूगल ने भी जर्नलिज्म रिलीफ फंड दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। फाइंड द एयरलाइन इंडियन एयरलाइन कंपनी विच लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट कार्गो ऑन सी टू कैरी एसेंशियल्स एंड कोविड-19। देखो कौन सी ऐसी पहली एयरलाइन कंपनी है जिसमें इंडिया की पहली कार्गो ऑन सीट फ्लाइट दी गई है ताकि वो कैरी कर सके एसेंशियल्स और कोविड-19 के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए एसेंशियल्स को कैरी करने के लिए कौन सी एयरलाइन कंपनी चलाई है, दैट इज स्पाइस जेट। चलिए नेम द इंडियन स्टेट विच प्रोवाइड्स अ फ्री फूड टू सिटीजन्स। क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा फ्री में, कौन सी स्कीम के अंतर्गत, मुख्यमंत्री दीदी किचन। तो मुख्यमंत्री दीदी किचन, इससे पहले आपकी एक थी मोदी किचन, तो अगर आपको याद हो तो मोदी किचन विद ट्रिक्स पढ़ाया गया था, कहाँ पर थी, तमिलनाडु में मोदी किचन। दूसरी किचन आपकी आई थी ये मुख्यमंत्री दीदी किचन, तो मुख्यमंत्री दीदी किचन तो ये कहाँ की है, झारखंड की है, क्योंकि झारखंड में क्या है, राक्षस हैं, तो दीदी जाकर उन राक्षस को भगाएंगी, तो इस तरह से याद करा था हमने मुख्यमंत्री दीदी किचन को। नेक्स्ट है, विद विच पब्लिक सेक्टर बैंक द गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL हैज़ पार्टनर टू द भारत पे इंस्टा, भारत इंस्टा पे UPI बेस्ड पेटीएम पर, किसके साथ मिलकर ऐसे BSNL ने ऐसा किया है। तो देखो BSNL हमारी सबसे बढ़िया मतलब पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्या है, लॉसेस में चल रही है, तो इसने क्या लॉन्च करा है, भारत इंस्टा पे। भारत जो है तुरंत इंस्टेंटली पे करेगा, एकदम से पे करेगा, और किसके साथ मिलकर ऐसे करेगा, भैया सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है ना, उसी के साथ मिलेगा। और दूसरी चीज़ ऐसे भी आज कर सकते हो कि तीनों में क्या आएगा, बी आएगा, BSNL, SBI और भारत इंस्टा पे। चलो विच ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट डाउनलोड ऐप इन जस्ट 13 डेज। बहुत ज़्यादा वायरल में रहा है ना, अगर न्यूज़ अगर एक मिनट भी चलाते होंगे तो तभी आपको नाम आ जाता होगा, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो है 13 दिन में 5 करोड़ यूज़र्स ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया था, तो हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप है विद इन 13 डेज। अकॉर्डिंग टू IMF एशिया इकोनॉमी इज लाइकली टू सफर जीरो ग्रोथ इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश ईयर्स। IMF ने क्या कहा, IMF ने कहा कि जो पूरे एशिया की जो इकोनॉमी है ना वो लगभग 0% से ग्रोथ करेगी 2020 में, 0% से, क्यों, कोविड-19 इकोनॉमी तो डाउन चली गई, और उन्होंने कहा इतनी डाउन जाएगी कि 0% से ग्रोथ करेगी, और ऐसा कब होगा, 60 साल बाद ऐसा होगा बच्चा, ठीक है। चलिए, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड।
इंडियाज़ एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, इंडिया के एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो किसे बनाया? विश्वनाथ आनंद, क्योंकि इनके पास क्या है, विश्व भर के पैसा है ना, विश्व के पूरे विश्व की जानकारी है, तो इन्हें क्या करते हैं, पूरे फंड को विश्व में बांट पाएंगे, तो इसलिए और एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक कर पाएंगे। तो इन्हें क्या बना दिया, विश्वनाथ आनंद को क्या बना दिया, वर्ल्ड वाइड फंड का एम्बेसडर बना दिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेमिफीलिया दिवस? ठीक है, देखो हीमोफीलिया दिवस आपको पता है एक बीमारी थी, है ना, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी जो थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व, यानी कि मेल और फीमेल दोनों को इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, तो गेट प्लस इन्वॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ वेबसाइट सी घाट, सबसे आसान क्वेश्चन, टू प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लॉकडाउन के अंदर होम डिलीवरी करेंगे सी घाट, तो नाम से पता चलेगा सी से सी और घाट से घट, तो छत्तीसगढ़। Who has taken over the additional charge of chairman managing of MTNL? MTNL का chairman और managing director का additional charge किसको दिया गया? तो देखो MTNL, और आपको इसे relate करा था PK movie से, है ना, तो PK पुरवार इसका आंसर हो गया था। चलिए, नेटवर्क अच्छे थे ना, तो इसलिए MTNL को बना दिया था। चलो, नेम द कंपनी विच हैज़ won द एडिसन अवार्ड। देखो, फर्स्ट एडिसन अवार्ड मिला है आपको 2020 में, अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं किसको मिला है, टाटा पावर को मिला, और मैंने जो बताया था कौन से कैंपेन के लिए मिला, एक तो क्लब एनर्जी कैंपेन और स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन भी हो गया आपका फिर से। रिसर्चर ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द कोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टर चैम्बर नेम्ड जीरो कोप। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी से ये सबको याद होगा, किसने करा, NIT कर्नाटक। क्यों करा? देखो कर्नाटक हम कैसे करते हैं कि ये नाटक करता है, बस कुछ नहीं करता, बस नाटक करता है कर्नाटक। तो इसने क्या कहा, जीरो को, भैया पूरे देश में, पूरी वर्ल्ड में COVID-19 फैल रहा है, और ये क्या कह रहा है कि जीरो हो गया जी को, ऐसे कैसे हो गया, नाटक कर रहा तो कर्नाटक। ठीक, नेम द मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मल्टी साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव कौन सा, उस साइंस कम्युनिकेशन का नाम बताना है, तो क्या है, कोविड ज्ञान, कोविड के बारे में ज्ञान दे रहे हैं सबको, तो कोविड ज्ञान। चलिए, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्च बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू हेल्प वेरियस डिपार्टमेंट टू स्टेट प्रोक्योर सीमेंट। सीमेंट से क्या करोगे, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करोगे ना, निर्माण करोगे, तो बस YCR निर्माण। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करिए। ठीक है, शेयर तो चलो अभी आप नहीं करोगे क्योंकि आपकी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बट आप लाइक तो कर सकते हो, एक सेकंड कुछ भी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगता आपका शेयर और लाइक करने से, लेकिन हमें सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर शेयर करिएगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2020 इज़ वीमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। देखो, ये जो वीमेन वाटर और क्लाइमेट चेंज है, कब बनाया जाता है, 14 मार्च, कब मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे एक्शन फॉर रिवर्स के, वुमेन वाटर क्लाइमेट चेंज कब मनाया जाता है, ये आपका 14 मार्च को मनाया जाता है। नदियों के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम महिला जल और वायु के है, वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपका 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन ऑफ रिवर्स, और थीम क्या थी, वीमेन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। चलो, व्हाट इज द नेम फॉर स्टोर्स, नेम ऑफ स्टोर्स फॉर एसेंशियल कॉमोडिटी विच वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट अंडर द PPP मॉडल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो PPP मॉडल के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन के लिए एसेंशियल कॉमोडिटी के लिए कौन से स्टोर्स बनाए जा रहे थे, तो COVID-19 से सुरक्षा भी चाहिए और पूरा भंडार होना चाहिए हमारे पास खाने का, तो सुरक्षा भंडार स्टोर्स बनाए गए। नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव नेम प्रगति टू ड्राइव व्यूमन एंटरप्राइज टू एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अडोप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग व्यूमन। तो देखो, व्यूमन को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, व्यूमन को आगे बढ़ाने के लिए प्रगति नाम से एक इनिशिएटिव चलाया था, तो किसने चलाया था, फेसबुक ने चलाया था, फेसबुक आजकल बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है ना। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च सेफ्टी ग्रिड कैंपेन फॉर सोशल, इन्होंने क्या करा था, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए अपना जो लोगो है ना, पूरा HDFC का, जो HDFC का लोगो है बॉक्सेस वाला, है ना, ऐसे बॉक्सेस वाला जो लोगो है, उससे क्या करा है, उसे लॉन्च करा है कैंपेन सोशल डिस्टेंसिंग को, तो किसने करा है, HDFC। वो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में इस तरह के लोगों को विद आफ्टर सम डिस्टेंस पे वो बना रहे हैं, जिससे कि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दुबई बेस्ड क्रिकेट कोचिंग अकेडमी दैट इज क्रिकडम। तो ये जो अकेडमी है क्रिक किंगडम, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो कि दुबई की आपकी कोचिंग अकेडमी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया, बच्चा रोहित शर्मा को बनाया गया है, हर जगह विराट कोहली आंसर नहीं होता है, विद ट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए गए थे, तो एक बार सारी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है,
और इसके साथ साथ जो इसकी फर्स्ट पार्ट है, पार्ट वन है, ये पार्ट टू हम पढ़ रहे हैं, पार्ट वन का लिंक भी इसमें शेयर कर दिया गया है। और अगर इसका फीडबैक आपका अच्छा आता है तो तभी फीड आगे की पार्ट थ्री भी मैं कल या परसों में ही लॉन्च कर दूंगी। तो इट्स अप टू यू कि आप दो दिन में कैसा परफॉर्म करते हो। चलिए, यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज अटेंडेड द सेकेंड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर कॉन्फ्रेंस हु इज द प्रेसिडेंसी ऑफ थीम ऑफ G20। थीम बतानी है G20 की क्या है। देखो 2020 तो ऐसे ही निकल गया ना, अब 2021 के सपने देखो, यानी कि सभी के लिए 2021वीं सदी के अवसरों का ऐसा एहसास, ये इसकी थीम थी। अगर मैं बात करूँ तो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी जितने भी G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। और अगर मैं G20 के इस साल की आपकी मेज़बानी की बात करूँ तो इस बार की मेज़बानी किसके पास थी, सऊदी अरेबिया के पास थी। ठीक है, चलिए अगला है, सूचेक इज डेवलप्ड अंडर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ICMR। सूचेक, सू मतलब शुगर, चेक मतलब चेक, तो शुगर को क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी कहते हैं, तो ग्लूकोमीटर का आंसर हो गया था, बिल्कुल सिंपल। नेम द नासा सैटेलाइट विच कैन गिव अर्ली वार्निंग सिग्नल्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के सिग्नल्स के लिए पहले से वार्निंग दे देगा नासा ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, किड्स। देखो आपको पहले से दे देगा तो केयर रखना चाहिए था, पर ये इन्होंने गलती सी कर दी थोड़ी सी, इसलिए किड्स रख लिया। इस तरह से आप याद कर लेना क्या नाम है उसका, किड्स। वट इज़ द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ फोर्थ एशिया पैरा गेम्स 2020 विच इज रिलीज रिसेंटली। अभी आपको एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कराया था कि जो चौथे एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं 2022 में, तो वो कब कहाँ पर होंगे, चाइना में होंगे, है ना, चाइना में होंगे। तो इसका देखो सार ये क्या कर रहा है, इसने सब जगह तो कराते हैं कोरोना और अब ले रहा खुद मजे, तो ये भी चाइना में होंगे। और एक इसके लिए आपका एक ऑफिशियल मैस्कोट भी रिलीज़ कर दिया गया, दैट इज़ फीफी। ठीक, अच्छा एक था द स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट ट्रिपलेट ये किसके कौन से गेम्स के लिए किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने वीडियो बन देखी है तो उसमें आपको डिस्क्राइब किया गया था ऑलरेडी। द वर्ल्ड वॉइस डे, वॉइस डे वॉज अंडर मैनुअली ऑन 16 अप्रैल। एनुअली कब मनाई जाती है, 16 अप्रैल को मनाई जाती है। देखो वॉइस किसी एज की, जो 16 साल की लड़की होगी है ना उसकी तो वॉइस अच्छी होगी, इस तरह से याद कर सकते हो। और इसकी थीम क्या रखी है कि अपने वॉइस पर फोकस करो, फोकस ऑन योर वॉइस, फोकस ऑन योर वॉइस। तो ऑप्शन नंबर, फोकस ऑन योर वॉइस का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2020 की क्या थीम है, मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर। मैथ हर जगह, हम कहते हैं ना मैथ क्यों पढ़ रहे हैं भैया, कहीं तो यूज़ नहीं है, इतनी मुश्किल मैथ पढ़ा रहे, तो ये कह रहे हैं मैथ हर जगह है। और ये IDM यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स को क्या लिखते हो आप, मैथ लिखते हो ना, तो कब मनाया जाएगा, 4 और 1 5 है ना, और M से मार्च, तो 14 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया था। हु हैज़ कॉइंड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी विच इज़ द न्यूज़ रिसेंटली। आपकी जो हेलीकॉप्टर मनी एक नई टर्म आई है, न्यूज़ में है रिसेंटली, इसे किसने कॉइंड किया है, किसने गढ़ा है इसे, तो देखो हेलीकॉप्टर क्या बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं ना, और स्टील की बॉटल भी होती है जो कि मिल्टन की होती है, तो मिल्टन फ्रिडमैन। मुझे भी याद नहीं है फ्रेंड्स, सच बताऊँ मुझे भी पूरा नाम याद नहीं है, पर याद आया हेलीकॉप्टर स्टील, स्टील मिल्टन, मिल्टन मतलब आंसर मिल गया, बस यही तो करना है हमें, तो इसलिए आप ज़रूर ट्रिक्स देखिए। चलो विच सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को शेड्यूल टू बी इन चाइना हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। चाइना में एक यूनेस्को की मीटिंग थी जो कि कौन सा सेशन था, 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, वो क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। टूर दे फ्रांस विच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है, टूर दे फ्रांस, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, टूर द फ्रांस, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जो फ्रांस है, फ्रांस में लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो टूर करते हैं, क्योंकि वो साइकिल से टूर करते हैं, तो साइकिल रेस है ना। वैसे भी टूर करोगे तो टेबल टेनिस से टूर करोगे, गॉल्फ से टूर करोगे, नहीं रेसिंग से, F1 टाइप की रेसिंग से करोगे, नहीं साइकिल से रेसिंग करके आप ज़्यादा टूर कर सकते हो, ऐसे भी याद कर लो, है ना। The Union Home Ministry has issued an advisory stating that which of the mobile is not safe. कौन सी मोबाइल ऐप को सेफ नहीं बताया होम मिनिस्ट्री के द्वारा, दैट इज़ जूम। बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आजकल सब जूम, बट इसमें थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, तो बी टेक केयर। बट द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स सेलिब्रेटेड एनुअली 18 अप्रैल। तो ये जो आपका मॉन्यूमेंट्स और साइट्स जो कि आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, इसके आपकी थीम क्या थी, कल्चर को शेयर करो, हेरिटेज को शेयर करो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करो। अ न्यू विट पाइपर named after Harry Potter character Salazar Slytherin has been discovered in which state? कौन से स्टेट में इसको डिस्कवर किया गया था। देखो पिट वाइपर, आपको पता था पिट वाइपर क्या होता था, एक नाग होता था है ना, नाग होता था, नाग को पिट वाइपर कहते थे, जो कि हैरी पॉटर के बाद ये जो कैरेक्टर है सालाजार सिल्थेरियन, इसको डिस्कवर किया गया, ये कौन से स्टेट से हैं, तो ये जो कौन से स्टेट का है, तो आपका विट पाइपर मतलब नाग है ना, नाग क्या करता है, चलता है, और कौन सा एक राज्य जो चलता है, अरुण, अरुण वाले राज्य तो चलता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश का आंसर हो गया था।
name the app launched by center government to help farmers suppose their agriculture and horticulture for farm produce. मतलब क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है जिससे कि वो फार्मर्स की हेल्प करेगा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, तो कौन सी? किसान रथ. क्यों? देखो इस टाइम हमारे लिए तो भगवान किसान ही हो रहे हैं ना, खाना क्यों नहीं रहा, किसान ही तो दे रहे, किसान ना बनाते तो कैसे करते? अब किसान की मदद करनी पड़ेगी, उनका खाना सब जगह पहुँचाएंगे तो कैसे पहुँचाएंगे? ट्रेन व्रेन तो चलनी, तो रथ पुराने वाले ज़माने में चलेगा. सब कुछ पुराना पुराना नहीं चल रहा, महाभारत देख रहे हैं हम, रामायण देख रहे हैं, सब कुछ पुराने ज़माने में चलेगा. तो हम ट्रेन व्रेन का सहारा नहीं लेंगे, अब हम रथ का लेंगे, तो किसान रथ. चलो. Which institution has designed ward board to deliver food and medicines to COVID-19 patients in the isolation ward without human intervention? Human के intervention के बिना COVID-19 patients के लिए food और medicines को deliver करने के लिए ward board किसने बनाया? तो कुल मिला के जो ward board robot है किसने बनाया है? तो देखो COVID-19 के जो patients हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा उनको क्या करा जा रहा है यार, उनको जाना आइसोलेटेड करा जा रहा है. अब आइसोलेटेड करा कि कोई तो रहता नहीं उनके पास बात करने के लिए. एक तो वो वैसे डरे होते हैं कि मुझे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, वैसे डर रहे. ऊपर से उन्हें अकेला छोड़ दिया तो क्या बिल्कुल रोने की स्थिति हो जाती है, रोने लगते हैं वो लोग, है ना, रोने लगते. तो इसलिए उनके पास क्या गया, एक रोबोट भेजा है जिसका नाम क्या है, वार्ड बोर्ड, कि उनकी मदद करे, उनसे बातचीत करे. तो ये रोने लगते, तो किसने बनाया? रोपड़, IIT रोपड़, है ना. वो इज ऑथर ऑफ द बुक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी वी सिंधु. पी वी सिंधु आपकी बैडमिंटन की प्लेयर हैं, है ना, शटलिंग टू द टॉप, इसलिए इनका नाम रखा है, इसका शीर्षक जो रखा है. इसके ऑथर कौन है? तो याद रखो पी वी, वी आ रहा ना, तो इसमें भी वी आ रहा, कृष्ण स्वामी वी. हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रैंक इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर इन द लेटेस्ट रैंक ऑफ ITTF आफ्टर द सरपासिंग जी साथिया. तो अगर आपको पता हो कि ये टेबल टेनिस का इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, ठीक है, तो इसके जो हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है जी साथिया के बाद कौन बन गए हैं आपके? शरद कमल. अच्छा, इसमें ना जनवरी मंथ में मानव ठक्कर का भी नाम आया था, मानव ठक्कर ने इसे टॉप किया है, बट अगर आप रिसेंटली पूछा जाएगा तो शरद कमल इसका आंसर करके आइएगा, ठीक है. विट्रिक्स आपको ऑलरेडी बताया था कि जो कमल है, कमल क्या बीजेपी है ना, कमल क्या बीजेपी. अगर अभी इलेक्शन आए तो क्या होगा, बीजेपी तो जीत जाएगी, कमल जीत जाएगा, कमल की जीत हो जाएगी, शरद शपथ लेगी फिर वो, तो इसलिए इसका शरद कमल हो गया था, शरद कमल हो गया था. विच कंट्री हैज स्टॉप्ड फंडिंग टू द WHO ओवर कोरोना वायरस फेलियर. जब जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं, फेलियर हो रहा है, तो WHO के लिए ना फंडिंग रोक दी. किसने रोक दी? USA ने, क्योंकि USA में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है USA का, ठीक है. मतलब हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो मतलब जो डेथ रेट है बहुत कम है ना, मतलब डेथ रेट क्या, मतलब नंबर ऑफ जो डेथ हुई है वो बहुत कम है. आज की डेट में मैं अगर देखूँ, जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 1300 के लगभग डेथ हैं, है ना. और लेकिन यूनाइटेड स्टेट में बच्चा 1000 से 2000 से ज़्यादा डेथ एक दिन में है, तो बहुत बुरा हाल है. इसलिए उन्होंने WHO पे रोक दिया, क्योंकि WHO ने क्या करा था, चाइना का साथ दिया था. चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. आशियान की जो मेज़बानी कौन करेगा? आशियान आन, आन और आन कब खराब होती है? जब हमारा नाम खराब होता है ना, नाम खराब तो आन खराब तो वियतनाम. अकॉर्डिंग टू द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क सर्वे विच इज़ द मोस्ट डिलीजेंटली डेक्सट्रियस कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, देखो गार्टनर ऐसा गार्ड मतलब बेकार से नाम नहीं लग रहा आपको, तो ऐसा इसने बताया कि जो पूरे वर्ल्ड की डिजिटली डेक्सट्रियस कंट्री है, मतलब डिजिटल के रूप में सबसे पहले नंबर पे जो कंट्री आई है वो कौन सी आई है. बहुत मतलब आश्चर्य होगा आपको कि इंडिया आई है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया में डिजिटल कुछ नहीं होता, है ना, और अगर आपने ट्रांजेक्शन करी तो वो भी आपके एट रिस्क होती है, आपको ऐसा लगता है ना. तो लेकिन गार्टनर ने ऐसा क्या कहा है कि जो सबसे वर्ल्ड में पूरे डिजिटली डेक्सट्रियस कंट्री है वो कौन सी है? इंडिया है. नाम भी ऐसे ना गार्टनर सा, तो समझ जाओ बस. द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट. तो हेरिटेज, हेरिटेज में क्या होता है, देखो एच का क्या 8 और एक को लगा दे 18. वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है. चलो. विच कंपनी हैज एक्वायर्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स. कौन सी कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल को क्या करा है, एक्वायर कर लिया, जो कि कहाँ की है? ब्रिटिश की है. ब्रिटिश की आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड है, जिसको 153 करोड़ रुपए में नॉर्टन मोटरसाइकिल खरीद लिया है. किसने खरीदा? TVS, है ना, TVS ने खरीद लिया, अच्छी बात है. चलो. द टेलीकॉमेंट हैज़ डेवलप्ड विच ऐप फॉर आवर डोर टू डोर सर्वे इन कंटेनमेंट जोन्स टू स्प्रेड अप द रियल टाइम एनालिसिस डाटा इन अ बिड टू कंटेन द वायरस. देखो क्या है, जो अभी हमारी कंटेनमेंट जोन है दिल्ली की, तो उन्होंने क्या करा, एक सर्वे चलाया डोर टू डोर सर्वे. क्यों भाई? देखो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, जमातीज मिले थे ना बहुत ज़्यादा, है ना, तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस एकदम से फैल गया. तो वो क्या डोर टू डोर भेजेंगे सबको और कहेंगे कि भाई एक्सेस करो ना सबको, सब लोगों को बुलाओ ना, एक्सेस करो उन लोगों को जिनको भी कोरोना वायरस है, और डोर टू डोर सर्वे चलाया किसने? इंडियन आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने. अंडर विच सेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 स्प्लिटिंग इज एन पब्लिक ऑफेंस नाउ. तो
आपको पता है आप ऐसे ऐसे गंदगी फैलाते रहते थे, कहीं पे भी स्प्रिट करते फिरते थे, तो वो सब क्या हो गया, अब आपके लीगल ऑफेंस आ गया है, लीगल ऑफेंस क्रिएट हो गया, अगर कोई भी ऐसा करता मिलता है तो उसको पनिश किया जाएगा। कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर, 51B से मुंह बंद, बंद रख ले बस अपना मुंह, ऐसे याद रख सकते हो आप, है ना। चलो देखो, रेपो रेट इंडिया का फिर से कम हो गया RBI ने 17 अप्रैल 2020 को। देखो इससे पहले आपका जो है मार्च के लास्ट में, शायद 25 मार्च के आसपास रेपो रेट बहुत ज़्यादा कम किया गया था, और उस टाइम पे 4% कर दिया था रिवर्स रेपो रेट, लेकिन अब फिर से और कम कर दिया, और कितना हो गया 3.75, यानी कि 0.25 बेसिस और कम कर दिया। चलो, नेम द अर्थ साइज एक्सप्लेनेट विच वॉज फाउंडेड बाय द साइंटिस्ट ऑफ नासा, पब्लिश इन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल। नासा के द्वारा, जो नासा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक अर्थ के साइज़ का ही एक प्लैनेट खोजा है, उसका नाम क्या रखा है। देखो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ, अगर आपने कहीं और पढ़ा हो ना, आप इसको क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपने सक्सेस पॉइंट पे हमारी क्लास से ट्रिक्स से पढ़ा होगा ना, आप 100% कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रिक बताई थी क्या, कि अब देखो ये फिगर्स ही है, कौन याद रखेगा यार इन फिगर्स को, कौन याद रखा, कैसे याद रहेंगी, नहीं रह सकती। तो क्या है, एक यूनिक फिगर है, उस यूनिक फिगर ने क्या है, देखो 6 और 1 7 7 बन गया, और 7 का स्क्वायर क्या गया, 49। अब आप इसे भूल ही नहीं सकते कि कैपलर में कौन सी फिगर आएगी, है ना, यूनिक सी आएगी, आपको एकदम से देख के याद आ जाएगा कि 6+1 7 और 7 का स्क्वायर 49, और आप एकदम से टिक मार के आ जाओगे, जबकि कोई नहीं मार पाएगा, है ना, कोई नहीं कर पाएगा इसको। चलो, फाइंड द जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म विच वॉज प्रिपेयर्ड एंड मैनेज बाय सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर और मैनेज किया जा रहा है, तो जियो का कैसे यार, COVID-19 चल रहा है, कैसे जियोगे, जब सहयोग करोगे एक दूसरे को तभी तो जी पाओगे, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च न्यू वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड टॉकबैक। ठीक है, कौन सी कंपनी ने टॉकबैक बनाया, वर्चुअल कीबोर्ड बनाया, जो कि ब्रेलीज के लिए, मतलब कि जो आपके ना, मतलब दिव्यांग लोग जो हैं, दिव्यांग लोग क्या है, मतलब ब्लाइंड जो पर्सनस हैं, एक तरीके से जो ब्लाइंड पर्सनस हैं, उनके लिए क्या बनाया, टॉकबैक नाम का एक क्या बनाया है, एक कीबोर्ड बनाया। किसने बनाया, गूगल ने। भाई गूगल की तो सारे कीबोर्ड यूज़ करते हो आप, तो गूगल ने एक और कीबोर्ड बना दिया जिसका नाम क्या है, टॉकबैक, और किसके लिए, दिव्यांग लोगों के लिए। और अगर मैं दिव्यांग दिवस पूछूं आपसे, तो कब आता था, ब्रेल इंटरनेशनल ब्रेल डे कब मनाया जाता था, 4 जनवरी, है ना, कुछ ऐसा करके था, याद कर लेना, 4 जनवरी को मनाया जाता था ब्रेल दिवस, है ना। चलो, मून जे इन वॉज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर, प्रेसिडेंट बन गए मून जे इन, कहाँ के बने, मून जे इन, बताना, चंद्रमा क्या, साउथ कोरिया, सन से रिलेट करके आपको बताया था, तो कहाँ के बने हैं, साउथ कोरिया। विच आई एम इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ वेबसाइट COVID-5 इन विच इज़ अ वन स्टेप डिजिटल डायरेक्टरी फॉर ऑल COVID-19 रिलेटेड सर्विसेज एंड हेल्प। तो इसके लिए कौन सी ऐप वेबसाइट है, COVID-5, तो 5FYI, ये इसका कौन सा IIM था, कोझिकोड़े IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड़े। विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द ब्लड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस फॉर इट्स पैसेंजर्स। देखो क्वेश्चन क्या है, कौन सी ऐसी पहली एयरलाइन है जो कि क्या करेगी, कोरोना जो भी उसके पैसेंजर्स होंगे कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए, उसके ब्लड का टेस्ट लेगी अमीरेट्स। क्यों भैया, अमीर लोग हैं तो कर सकते हैं ना, इसलिए सब लोगों ने, बाकी सब तो अमीर नहीं है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने एयरलाइंस को बंद कर रखा है। हुज नेम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इलेक्शन एज अ चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बनाया। बॉम्बे में क्या रहते हैं, सारी सारी आपके कौन रहते हैं, सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, तो दत्ता, लारा दत्ता भी कहाँ रहती है, बॉम्बे में रहती है, तो इसलिए दीपांकर दत्ता को जस्टिस बना दिया हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, चलो, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू जियो टैग कम्युनिटी किचन। देखो किचन के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, जिसने क्या करा है, 12 लाख लोगों को एक दिन में खाना पहुंचाने के लिए स्कीम चलाई है, और उसको क्या मिला है, जियो टैग जियो कम्युनिटी किचन का टैग मिला है, जियो टैग मिला है, और वो कहाँ की है, यूपी की है। तो आपको तीन किचन से रिलेटेड तीन क्वेश्चन हो गए, मोदी किचन जिसका आंसर क्या था, तमिलनाडु, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कम्युनिटी किचन, जियो टैग कम्युनिटी किचन यूपी, और तीसरा क्वेश्चन आपने अभी करा था, मुख्यमंत्री दीदी किचन, जो कि कहाँ मिलती है, दीदी कहाँ गई थी, आपकी झारखंड गई थी, ताकि लोगों को बचा सकें। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस विद रिवीजन विद ट्रिक्स बच्चे कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च प्लाज्मा टू कवरेज एनकरेज COVID-19 रिकवर पेशेंट्स टू डोनेट प्लाज्मा टू हेल्प क्योर पेशेंट्स। मतलब जो आपके पेशेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए, प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए क्या करा है, कौन सी कंपनी जिसने प्लाज्मा बोर्ड को लॉन्च करा है और COVID-19 पेशेंट्स को एनकरेज करा है कि आप वो रिकवर करने में हेल्प करें। तो देखो प्लाज्मा, ऐसे बताया था ना आपको, एक स्क्रीन, प्लाज्मा स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन किस पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे तो चलते हैं, इसका आंसर विंडो हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट हो गया था, है ना। वर्ल्ड लीवर डे, आपको बताया था बहुत अच्छे से कि लीवर कब खराब होता है, जब आप ड्रिंक करना स्टार्ट करते हो, ड्रिंक कब करते हो, जब आप आफ्टर द एज ऑफ
यंगी एज पर आ जाते हो, यंगस्टर हो जाते हो, यंगी 18 पर आ जाते हो, मैच्योर हो जाते हो। तो 18 से जब 18 पर होते हो तब तो कुछ नहीं करते, जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हो 19 के होते हो तो आप क्या करने लगते हो, ड्रिंक करने लगते हो, जिसकी वजह से आपको लीवर खराब हो जाता है, वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है ना। तो फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू सेलिब्रेट द डेडिकेशन ऑफ पीपल हु वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के बेटरमेंट के लिए जो डेडिकेटेड पीपल्स हैं उनके लिए वो जो है आपके कौन है, सिविल सर्विसेज हैं के लोग हैं। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल सिविल सर्विस डे देखो आपको पता है कॉमन पर्सन क्या होता है, ज़्यादा उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 19-20 होता है। मान लो मैं अच्छी हूँ आप बहुत अच्छे हो, है ना, तो ऐसे होगा 19-20 का डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो सिविल सर्विस हैं भैया वो तो कौन जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, 21 होंगे ना, 19 होंगे ना 20 होंगे, जो 21 होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होंगे, कुछ अलग ही बात होगी उनमें, तो वो उनको कम मनाया जाएगा सिविल सर्विस डे 21 मनाए ना, तो 19 ना 20 कम मनाया जाएगा, 21 को मनाया जाएगा। हु इज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। देखो रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, उनका सेक्रेटरी को किसे अपॉइंट किया गया है, विद द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कैबिनेट ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के अप्रूवल के साथ साथ रामनाथ कोविंद की सेक्रेटरी को किसे अपॉइंट किया गया, नाम बताना उसका बस। तो क्वेश्चन ये है तो कौन है, देखो रामनाथ कोविंद, रामनाथ भगवान है, भगवान ही तो चाहिए इनको अपनी सेक्रेटरी भी, तो कौन देंगे। अब देखो भगवान कौन है, देवी तो, देवी तो भगवान है। अब देखो देव भी ना, देखो आपका होगा देव कोठारी भी और देव त्रिपाठी भी है, तो भैया तीन तीन देव चाहिए ना, एक देव से इनका काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने कपिल देव त्रिपाठी को बना लिया। चलो बिहार वॉज कंसिडर ब्रिज ओवर विच रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन द रिकॉर्ड स्पैन। देखो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में एक रिवर है, कौन सी रिवर है, सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर पर क्या बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया, और विद इन अ रिकॉर्ड 27 डेज के अंदर इसको क्या करा गया है, क्या करा गया है 27 डेज के अंदर अंदर पूरा तैयार किया गया है। और अगर आपको पता हो, न्यूज़ में भी था ये, कि इसके जो लॉन्च हुआ था, मतलब इसका जो इनोवेशन हुआ था, इनोग्रेशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने करा था, और कैसे करा था, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, तो इसका इनोग्रेशन करा था। अब आपके लिए क्वेश्चन बन गया कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, तो वो कौन है, पेमा खांडू हैं। अच्छा गवर्नर कौन है, गवर्नर का नाम आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। विच बैंक हैज़ लॉन्च वॉइस बैंकिंग सर्विस ऑन अमेजन अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट फॉर इट्स रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स। देखो रिटेल बैंक जो आपके बैंकिंग कस्टमर्स हैं ना, उनके लिए वॉइस बैंकिंग कॉल लेकर आया, वॉइस कैसे निकालते हो, आई है ना, ऐसे वाई तो निकालते हो, आई जब मम्मी मारती है आई तो करते हो, वॉइस ऐसे तो निकालते हो, तो क्या करते हो ICICI, ठीक है। इसके अलावा ICICI ने एक आपके जनवरी फरवरी में एक आईबॉक्स भी एप्लीकेशन डेवलप करी थी, एक आपकी आईबॉक्स करी थी, और इससे पहले एक आपके व्हाट्सएप पे जो आपकी बैंकिंग की जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए भी ICICI ने लॉन्च करा था व्हाट्सएप पे सर्विस प्रोवाइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो इसे आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने 90 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चन है जो इन 15 डेज़ के हैं, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, रिविज़न करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, आप इसे शेयर करिए प्लेयर्स फ्रेंड्स, शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। देखो आपके लिए बैठ के मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना, अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा तो सोचिए ना, कम से कम मोटिवेशन तो दीजिए, ठीक है बेनिफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन मोटिवेशन तो दो। अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा लगता है जब कोई कमेंट में कहता है कि वीडियो अच्छी थी या बुरी थी, या कोई एडवाइस देता है, जब वीडियोस पे लाइक्स आते हैं तो हम भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जब आप लोग वीडियोस पे व्यूज़ लाते हो तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड्स मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से आप 2 दिन में मुझे इसका रेस्पॉन्स दे दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है, जो कि पार्ट 3 रहेगा, और जितने भी क्वेश्चन बचे हैं अब अप्रैल के वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे। और टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डेली बेसिस पे क्विज होती हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाता है। और दूसरी बात, पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लो, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं देखा अप्रैल मंथ का, तो अप्रैल मंथ की प्लेलिस्ट भी है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेफ रहिए, ठीक है, कोरोना चल रहा है, सेफ रहिए, और मतलब अपने स्टडीज़ के लिए ना आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, मोटिवेट आपको होना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग तो ये सोच के बैठ गए कि कोरोना आ गया तो अब तो जॉब्स ही नहीं आएंगी, ऐसा थोड़ी है, जॉब्स तो आएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ काउंटिंग्स कम हो सकती हैं, थोड़ा सा डिले आ सकता है, बट जॉब्स तो आएंगी ना, तो हमें इस महामारी से भी बचना है और अपने लिए फ्यूचर को सेव करना है। तो सुरक्षित रहिए अपने घर पर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।